आजादी की 75वीं वर्षगांठ पर अमृत महोत्सव के तहत भारत सरकार की 2 दिवसीय मल्टीमीडिया प्रदर्शनी लगाई गई है, जिसका विधायक, महापौर व कुलपति ने शुभारंभ किया। दुर्ग में स्वामी विवेकानंद सभागार में आजादी का अमृत महोत्सव जन भागीदारी से जन आंदोलन समेकित संचार एवं लोक संपर्क द्वारा बुधवार को 2 दिवसीय मल्टीमीडिया छायाचित्र प्रदर्शनी लगाई गई है, जिसमें देश की आज़ादी में अपनी अहम भूमिका निभाने वाले क्रांतिकारी स्वतंत्रता सेनानियों की प्रदर्शनी लगाई गई, जिसमें मुख्य अतिथि विधायक अरुण वोरा, महापौर धीरज बाकलीवाल एवं हेमचंद यादव विश्वविद्यालय के कुलपति अरुणा पल्टा ने दीप प्रज्वलन कर इस मल्टीमीडिया चित्र प्रदर्शनी का शुभारंभ किया। गौरतलब है कि स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर आज़ादी का अमृत महोत्सव पर 2 दिवसीय मल्टीमीडिया चित्र प्रदर्शनी का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें स्कूली और कॉलेज के छात्र छात्राओं के अलावा जनमानस के लिए परिचर्चा रैली, प्रश्न मंच, विविध प्रतियोगिता एवं सांस्कृतिक कार्यक्रमों के द्वारा आमजनों में आज़ादी का अमृत महोत्सव विषय पर जागरूकता का संचार किया जा रहा है। वहीं इस अवसर पर रैली को विधायक अरुण वोरा, महापौर धीरज बाकलीवाल एवं कुलपति अरुणा पल्टा ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस अवसर पर न्यूज़ टीम को कार्यक्रम प्रभारी व अतिथियों ने अपनी प्रतिक्रिया दी। राज्य सरकार के तत्वावधान में सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा हमारे राज्य में मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में राज्य के सभी जिलों में देश की आज़ादी के अमृत महोत्सव की चित्र प्रदर्शनी लगाई गई है। इस प्रदर्शनी में इस बात को बतलाया गया है कि आज़ादी की लड़ाई में हमारे देश के लाखों स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने कैसे अपने जानों की कुर्बानी दी, कैसे अंग्रेजों को भारत से बाहर भगाया, और देश के महान नेताओं का भी इसमें सचित्र वर्णन है, जिसमें महात्मा गांधी से लेकर पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, लाल बहादुर शास्त्री, जिन्होंने देश को आज़ादी दिलाने में जो प्रयास किए वो प्रयास इस चित्रों के माध्यम से हमको दिखाए गए हैं। और 1947 में हमारा देश आज़ाद हुआ, पंडित जवाहरलाल नेहरू इस देश के प्रथम प्रधानमंत्री बने। प्रधानमंत्री बनने के बाद उन्होंने जो देश के विकास की आधारशिला रखी, आप देख रहे होंगे कि आज की पीढ़ी भी इस बात को समझ रही है कि जो आधारशिला उन्होंने रखी, चाहे वो कृषि के क्षेत्र में हो, स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो, शिक्षा के क्षेत्र में हो, सामाजिक समरसता के क्षेत्र में हो, पूरे विश्व में हिंदुस्तान का अपना महत्वपूर्ण स्थान इन 75 वर्षों में बना। मैं इस प्रदर्शनी के शुभारम्भ अवसर पर हमारे शैलेश पाए जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने राज्य सरकार के माध्यम से हमारे यहाँ पर प्रदर्शनी का आयोजन किया, जिसमें हजारों की संख्या में लोग, 2 दिन तक ये प्रदर्शनी चलेगी और हजारों की संख्या में लोग यहाँ आएंगे और देश के इतिहास को और इतिहासकारों को जानेंगे। और आज आवश्यकता इस बात की है कि हम देश की आज़ादी को अक्षुण बनाए रखें, उसे संभाल कर रखें। ये कैसे संभाला जाएगा? आपसी सद्भाव, भाईचारा और एकता के माध्यम से। आज इसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, इसका फायदा निश्चित रूप से हमारे प्रदेश को, हमारे देश को मिलेगा। ग्रैंड एशियन न्यूज़ के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट।